हे गाइस, मोस्ट वेलकम टू अनदर वीडियोस। ऑलराइट गाइस, तो अगर ओपन वर्ल्ड गेम की बात आती है तो उसमें दुनिया भर के सारे गेम आ जाते हैं। बात तो सही है। एंड गाइस, एज ए गेमर अगर मैं गेम ढूंढना शुरू करूं तो काफी ज्यादा मेहनत और मशक्कत के बाद मैं बेस्ट ओपन वर्ल्ड गेम ढूंढ निकालता हूं। वेट, कहाँ खो गए? आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाइस आज मैं बताने वाला हूँ टॉप 10 बेस्ट ओपन वर्ल्ड गेम फॉर एंड्रॉइड डिवाइसेस के बारे में, जहाँ पे आपको जो भी चाहिए वो सारा कुछ मिलेगा। मतलब गेम के ग्राफिक्स क्वालिटी से लेकर अच्छे मिशन, एक बहुत बड़ा ओपन है, सारा कुछ। सो गाइस, फिलहाल अभी बिना टाइम वेस्ट किए इन सारे गेम के बारे में जानते हैं। एंड उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या ही करो यार, फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड वेट गाइस, इस चीज को देख के मुझे काफी बुरा लगता है। सो आप लोग वीडियो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते, सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। एंड गाइस, अगर आप इन सारे गेम को बिना हाथ पैर मारे डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक नीचे अवेलेबल है, आप लोग वहां से बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। वेल गाइस, इस सीरीज का 10th रैंक का गेम निकल के आता है सेंट्स रॉ 3rd। ऑलराइट गाइस, तो ये गेम पीसी का काफी पुराना एंड पॉपुलर गेम है, एंड आप इस गेम को फाइनली मोबाइल पे भी प्ले कर सकते हो। सो इस गेम में आपको एक बहुत बड़ा ओपन देखने को मिलेगा, एंड इस गेम की स्टोरी लाइन गैंगस्टर गेम की तरह होने वाली है। इस गेम में आपको काफी सारे फाइटिंग स्किल्स एंड कॉम्बैट मूव भी देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पे आप काफी सारे खतरनाक वेपन भी यूज कर सकते हैं। वेल गाइस, अभी मैं फिलहाल आ चुका हूं एक खतरनाक से मिशन पे, जहां पे मुझे इन सारे मिलिट्री वालों को उड़ाना है एक साथ बम से। ओके, तो यहां पे मैंने मार्क कर दिया है, एंड कुछ ही टाइम में यहां पे बम लैंड होने वाला है। सो इस ब्लास्ट के बाद इनके बॉडी के तो टुकड़े हो चुके हैं। चलो कोई नहीं गाइस, आप इस गेम को ट्राई कर सकते हो। इस गेम में आपको फाइटर जेट भी ड्राइव करने को मिलेगा। ऑलराइट गाइस, तो इन्हीं सारी चीजों के ऊपर इसे 10th रैंक पर रखा गया है। सो गाइस, चलिए बढ़ते सीरीज की नेक्स्ट ओपन वर्ल्ड गेम की तरफ। ओके गाइस, तो सीरीज का अनदर गेम निकल के आता है डेज मोबाइल। सो गेम का साइज 38 MB है, एंड एक ऑफलाइन गेम होने वाला है एक अच्छी ग्राफिक्स क्वालिटी के साथ। सो गाइस, इस गेम में आपको एक बहुत बड़ा ओपन देखने को मिलेगा, एंड बेसिकली यहाँ पे आपको विलेज टाइप ओपन देखने को मिलता है। ओके, तो इस गेम में आपको सर्वाइव करना है, जहाँ पे आपको काफी सारे खतरनाक वेपन भी यूज करने को मिलेगा। ओके वेट, ये बंदा दीवार पे जाके अटक चुका है। एंड गाइस, अभी फिलहाल इसे नीचे उतारते हैं। वेल, ये अभी तो हिल भी नहीं रहा। ओके गाइस, तो आप इस गेम को ट्राई कर सकते हैं अगर आपको ओपन वर्ल्ड सर्वाइवल गेम खेलना पसंद है। तो चलिए बढ़ते सीरीज की नेक्स्ट गेम की तरफ। ऑलराइट गाइस, तो इस सीरीज का नेक्स्ट ओपन वर्ल्ड गेम निकल के आता है GTA San Andreas Remastered। सो गेम का साइज 300 MB है, एंड ये ऑब्वियसली एक ऑनलाइन गेम होने वाला है। ओके गाइस, तो ये गेम GTA San Andreas का एक रीमास्टर्ड वर्जन है, जहां पे आप इस गेम को GTA San Andreas का एक मोड पैक भी कह सकते हो। वेल, इस गेम में ग्राफिक्स क्वालिटी को काफी इंप्रूव किया गया। सो गाइस, इस गेम में नए सुपर कार, ऑफ रोडिंग व्हीकल, प्लेन वगैरह देखने को मिलेगा। एंड इस गेम के कंट्रोल की बात करें तो वो भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। ओके, तो इस गेम में एक लंबा चौड़ा ओपन वर्ल्ड एरिया देखने को मिलता है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि GTA San Andreas से भी बड़ा ओपन देखने को मिलेगा इस गेम में। चलो कोई नहीं गाइस, फिलहाल इस गेम के मिशन की बात करते हैं, तो मिशन सेम ही रहने वाला है। हालांकि इस गेम में आपको नए नए गेमिंग फीचर देखने को मिलेगा, जिसका आप इजीली यूज कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो आप इस गेम को ट्राई कर सकते हैं अगर आप GTA San Andreas को काफी लंबे टाइम से मिस कर रहे हो, तो ये गेम आपके लिए बेस्ट होने वाला है। ऑलराइट गाइस, तो अगर आप काफी टाइम से एक इंडियन ओपन वर्ल्ड गेम का इंतजार कर रहे थे, तो गाइस वो इंतजार यहीं पे समाप्त होता है। सो मैं बात कर रहा हूँ अल्ट वर्ल्ड गेम की, जहाँ पे आपको इंडियन ओपन वर्ल्ड एरिया देखने को मिलेगा। सो गेम का साइज 1.45 GB है, एंड है ये गेम ऑनलाइन होने वाला है। ओके, तो इस गेम में आपको झूले वगैरह पे बैठने को मिलेगा, एंड बेसिकली ये गेम गोवा के बीच के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे आपको और भी काफी सारी गेमिंग फीचर देखने को मिलता है। यहाँ पे पटाखे वगैरह छोड़ सकते हो, पानी पूरी खा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी हमारी कंट्री इंडिया की पॉपुलर चीजें देखने को मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे आप लड्डू वगैरह भी खा सकते हो। सो इन्हीं सारे फीचर्स के ऊपर इसे 7th रैंक पर रखा गया। सो गाइस, चलिए बढ़ते सीरीज की नेक्स्ट ओपन वर्ल्ड गेम की तरफ। वेल, हमारा नेक्स्ट ओपन वर्ल्ड गेम निकल के आता है एक कार रेसिंग गेम, जिसका नाम है कार पार्किंग मल्टीप्लेयर। सो गेम का साइज 200 MB है, एंड ये एक ऑफलाइन गेम होने वाला है। ओके गाइस, तो आप जो ये गेम प्ले देख रहे हो, ये कार पार्किंग मल्टीप्लेयर 1 का है। एंड गाइस, फाइनली यहाँ पे आ चुका है कार पार्किंग मल्टीप्लेयर 2, जहाँ पे ग्राफिक्स क्वालिटी को तो इम्प्रूव किया गया, एंड उसके साथ ही आपको नए नए मिशन देखने को मिलेगा। एंड गाइस, इस गेम के ओपन वर्ल्ड एरिया को भी बढ़ाया गया। ऑलराइट गाइस, तो आप इस गेम को ट्राई कर सकते हो अगर आप एक अच्छा ग्राफिक्स क्वालिटी वाला कार ड्राइविंग गेम प्ले करना चाहते हो, तो ये गेम आपके लिए बेस्ट होने वाला है। ओके, तो इन्हीं सारे छोटी छोटी चीजों के ऊपर इसे 6th रैंक पर रखा गया। ऑलराइट गाइस, तो चलिए बढ़ते सीरीज के नेक्स्ट ओपन वर्ल्ड गेम की तरफ। ऑलराइट गाइस, तो सीरीज का नेक्स्ट एंड 5th रैंक का गेम निकल के आता है प्रोजेक्ट निवो। सो गाइस, ये अभी तक का बेस्ट सर्वाइवल गेम होने वाला है। ओके, तो इस गेम का साइज 1.8 GB है, एंड ये एक ऑनलाइन गेम होने वाला है। ओके, तो इस गेम में आपको ढेर सारे मिशन भी करने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे घोड़े की सवारी कर सकते हो, जॉम्बी एंड जानवरों को मार सकते हो, घर वगैरह बना के गेम में सर्वाइव कर सकते हो, एंड और भी काफी सारी सर्वाइविंग टाइप मिशन करने को मिलेगा। वेल, इस गेम में आपको नाइट मोड भी देखने को मिलता है। ओके गाइस, तो आप इस गेम को ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते सीरीज की नेक्स्ट गेम की तरफ। ओके गाइस, तो सीरीज का 4th रैंक का गेम निकल के आता है एसफॉल। वेल, ये गेम फिलहाल लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन इसकी हाइप बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। सो इस गेम में आपको अलग अलग
टाइप के बेहतरीन मिशन करने को मिलेगा। बेसिकली यहाँ पे आपको मॉन्स्टर एंड क्रिएचर से सर्वाइव करना है, जिसके लिए आपको काफी सारे खतरनाक हथियार यूज करने को मिलता है। वेल गाइस, सबसे इंटरेस्टिंग चीज, आप इस गेम को ऑनलाइन मल्टीप्लेयर मोड में प्ले कर सकते हो, जहाँ पे अपने दोस्तों के साथ इस गेम को खेल सकते हो। सो इस गेम में आपको काफी बड़ा ओपीआई भी देखने को मिलता है। ओके, तो आप इस गेम को ट्राई कर सकते हैं। सो गाइस, इस सीरीज का नेक्स्ट एंड थर्ड रैंक का गेम निकल के आता है द डिवीजन रिसोर्ट गेम्स। वेल, गेम का साइज 3GB है। सो एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम भी है, जहां पे आप अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हो। ओके गाइस, तो ये काफी लंबा चौड़ा ओपन वर्ल्ड एरिया वाला गेम है, जहां पे इसकी ग्राफिक्स क्वालिटी इसके स्टोरेज के हिसाब से देखने को मिलेगी, जो कि काफी रियलिस्टिक है। वेल, इस गेम में आपको मिलिट्री टाइप मिशन करने को मिलता है, जहां पे आपको एनिमी एंड काफी सारे ज़ॉम्बीज से फाइट करना है। सो इसके लिए आपको अलग अलग टाइप के वेपन भी यूज करने को मिलेगा। ऑलराइट गाइस, तो आप इस गेम में बहुत तरह के एक्सप्लोसिव भी यूज कर सकते हो, जिससे आप दुश्मन के छक्के छुड़ा सकते हो। सो गाइस, इस गेम के स्टार्टिंग में आपको एक छोटी स्टोरी लाइन भी देखने को मिलेगा, जो इसके गेमिंग एक्सपीरियंस को काफी बेटर बनाता है। ऑलराइट गाइस, तो आप इस गेम को ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको मिलिट्री टाइप गेम खेलना पसंद है तो ये गेम आपके लिए बेस्ट होने वाला है। हालांकि गाइस, आप इस गेम को 1 या फिर 2GB के मोबाइल में प्ले नहीं कर सकते, इसके लिए आपको कोई बेटर फोन चाहिए। ओके, तो इन्हीं सारे चीजों के ऊपर इसे थर्ड रैंक रखा गया है। सो गाइस, चलिए बढ़ते सीरीज की नेक्स्ट गेम की तरफ। ओके गाइस, तो सीरीज का सेकंड लास्ट गेम निकल के आता है द डार्क नाइट राइजेस। ऑलराइट गाइस, तो ये गेम एक सुपर हीरो के ऊपर बेस्ड है, जहां पे आपको बैटमैन का कैरेक्टर देखने को मिलता है। वेल, इस गेम में आपको काफी सारे फाइटिंग स्किल्स एंड कॉम्बैट मूव भी देखने को मिलता है, जिससे आप दुश्मन की पूरी तरीके से बजा सकते हो। सो गाइस, इस गेम में आपको कई सारे सुपर पावर भी यूज करने को मिलेगा। ओके, तो अगर आप मार्वल या फिर डीसी के बहुत ही बड़े फैन हो तो ये गेम आपके लिए बिल्कुल सही होने वाला है। वेल, इस गेम में आपको और भी काफी सारी गेमिंग फीचर देखने को मिलता है, जैसे कि इस गेम में आपको एक स्टोरी लाइन भी देखने को मिलेगा, जिससे आपको होने वाले मिशन के बारे में पता चलेगा। सो गाइस, इन्हीं सारे बेहतरीन फीचर्स के ऊपर इसे सेकंड रैंक पे रखा गया। ओके गाइस, तो चलिए बढ़ते सीरीज की नेक्स्ट एंड फर्स्ट ओपन वर्ल्ड गेम की तरफ। वेल, इस सीरीज का फर्स्ट ऑफ ऑल रैंक का गेम निकल के आता है अवतार रिकॉर्डिंग। सो गाइस, गेम का साइज 1GB है एंड एक ऑनलाइन गेम है। ऑलराइट गाइस, तो आपको पता ही होगा कि अवतार मूवी कितनी ज्यादा पॉपुलर एंड फेमस है हमारे इंडिया में। ओके, तो ये गेम कुछ वैसा ही होने वाला है। सो इस गेम में आपको गेम के ग्राफिक्स क्वालिटी से लेकर इसके मिशन तक सारा कुछ अवतार मूवी की तरह है। एंड गाइस, इस गेम में आपको मिलिट्री के सारे वेपन यूज करने को मिलेगा, बट एक सेकेंड, यहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बीज मतलब डायनासोर वगैरह घूम रहे हैं, जिन्हें मुझे खत्म करना है एंड गेम में सर्वाइव करना है। सो गेम का मिशन कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। वेल, इस गेम में आपको एक अच्छा खासा ओपन वर्ल्ड एरिया देखने को मिलेगा। एंड गाइस, इस गेम में आपको ट्रेनिंग मोड और भी काफी सारे गेमिंग मोड देखने को मिलता है। सो इन्हीं सारे गेमिंग फीचर्स के ऊपर इसे फर्स्ट ऑफ ऑल रैंक रखा गया है। ऑलराइट गाइस, तो आप इस गेम को ट्राई कर सकते हैं अगर आप अवतार मूवी के बहुत ही बड़े फैन हो। ऑलराइट गाइस, तो ये रहे टॉप 10 बेस्ट ओपन वर्ल्ड गेम फॉर एंड्रॉइड डिवाइसेस। आई होप ये सारे गेम आप लोग को पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लो। एंड गाइस, अगर आपको इन सारे गेम में से जो भी गेम अच्छा लगा हो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। वेल गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर एंड गुड।